हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी उत्तराखंडी। मैं यहां पर उत्तराखंड से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूं और जो यह वीडियो है यह करंट अफेयर से रिलेटेड है। यह वीडियो कल शाम को 9 बजे आनी थी लेकिन किसी कारणवश यह वीडियो कल शाम को नहीं आ पाई, तो यह वीडियो आपको 11 मई 2019 के करंट अफेयर से अपडेट करवाएगी। तो चलिए उत्तराखंड करंट अफेयर के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, तुंगनाथ मंदिर के कपाट कब खुले? तो आप सभी को पता होगा कि उत्तराखंड में चार धाम यात्रा शुरू हो चुकी है, तो तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ के जो मंदिर है, तुंगनाथ मंदिर, इसके कपाट 10 मई 2019 को खुल चुके हैं। तुंगनाथ मंदिर से रिलेटेड प्रश्न बहुत आता है कि सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर कौन सा है, तो वहाँ पर आपको तुंगनाथ मंदिर का ऑप्शन देखना होगा। तो तुंगनाथ मंदिर सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। यह रुद्रप्रयाग जिले में चोपता से लगभग 3 किलोमीटर दूर है और यह जो मंदिर है यह 1000 वर्ष पुराना माना जाता है। तो चलिए, ये तो हमारे उत्तराखंड के करंट अफेयर थे। अब मैं आपको नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर बताऊँगा। तो हमारा पहला प्रश्न है, जलवायु आपातकाल की घोषणा करने वाला विश्व का दूसरा देश कौन बन गया है? तो जलवायु आपातकाल की घोषणा करने वाला विश्व का दूसरा देश आयरलैंड बन गया है। आयरलैंड की संसद ने 9 मई 2019 को यह प्रस्ताव पारित किया है। इससे पहले ब्रिटेन ने 1 मई 2019 को जलवायु आपातकाल की घोषणा की थी। अब जो ये जलवायु आपातकाल है यह क्या होता है? जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC अंतर सरकारी वैज्ञानिक निकाय है। यह संयुक्त राष्ट्र का एक आधिकारिक पैनल है। यह पैनल जलवायु में बदलाव एवं ग्रीन हाउस गैसों का ध्यान रखना है, तो आपको यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में भी पढ़ लेना चाहिए। और यहाँ पर इस पैनल को सन 2007 में शांति नोबल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो देखिए, इस करंट अफेयर के साथ आपको ग्रीन हाउस गैस के बारे में पढ़ना है और नोबल पुरस्कार के बारे में भी पढ़ना है। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास लक्ष्य SDG की प्राप्ति हेतु किस भारतीय अभिनेत्री को अपना विशेष दूत बनाया है? तो जी हाँ, इस भारतीय अभिनेत्री का नाम दिया मिर्जा है, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास लक्ष्य SDG की प्राप्ति हेतु अपना विशेष दूत एम्बेसडर बनाया है। दिया मिर्जा के साथ 17 अन्य लोगों को भी विशेष दूत बनाया गया है, जिसमें मुख्यतः अलीबाबा के चेयरमैन भी हैं। इन जो सभी हमारे सम्मानित व्यक्तिजन हैं, इन लोगों का जो काम है वह है विश्व भर में संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास के उद्देश्यों को लेकर लोगों को जागरूक करने का। तो यह तो हमारे आपके दूसरा प्रश्न था। अब तीसरा प्रश्न, किस अभिनेता ने दोपहरी नामक उपन्यास की रचना की है? तो इस अभिनेता का नाम है पंकज कपूर। आप सभी ने पंकज कपूर को बहुत सारी बॉलीवुड फिल्मों में देखा होगा, तो पंकज कपूर ने अभी दोपहरी नामक उपन्यास की रचना की है। अब हमारा चौथा प्रश्न, हाल ही में किस देश ने फेक न्यूज़ के प्रकाशन को अपराध घोषित किया है? तो सिंगापुर ने हाल ही में फेक न्यूज़ के प्रकाशन को अपराध घोषित किया है। अब हमारा पाँचवा प्रश्न, हाल ही में कॉमनवेल्थ सेक्रेटरिएट ऑर्बिटल ट्रिब्यूनल में किस भारतीय न्यायाधीश को शामिल किया गया है? तो रिटायर्ड जस्टिस KS राधाकृष्णन को कॉमनवेल्थ सेक्रेटरियल ऑर्बिटल ट्रिब्यूनल में शामिल किया गया है। इनका जो कार्यकाल रहेगा वह कार्यकाल 4 वर्ष की अवधि का होगा, जो 1 जून 2019 से शुरू होकर 31 मई 2023 तक रहेगा। तो दोस्तों, यह तो हमारे 11 मई 2019 के करंट अफेयर थे और आज है संडे, तो आप लोगों को आज शाम को 9 बजे वीकली जो करंट क्विज़ है वो आएगी, तो आप उसके लिए तैयार रहिए। इसी आशा में कि आप उत्तराखंड में रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।